hello assalamu alaikum and a very good morning to you all hope you're all doing well stay safe stay healthy so before uh, <coughs> discussing today's lecture we have discussed in the previous lectures about the atoms molecules ions how they are formed what are atoms or molecules or compounds so today we are going to discuss about how to write a molecular formula for a compound molecular formula for a compound डिफरेंट आइटम्स कम्बाइंड या सेम आटम्स डिफरेंट आइटम्स कम्बाइंड टू फॉम इ कम्पाउंड जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर और यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल सो आज हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो पानी के एग्ज़ाम्पल हैं तो पानी का जो फार्मूला है फॉर्मूला है वो एसटूओ है जिसको पानी को हम एस्टो से सिम्पलाइज है करते हैं तो इस एसटो तो को लिखने के लिए इस फार्मूला को लिखने के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स हैं इन तीन स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी कम्पाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं तो इस फॉमूला को जानने से पहले हमें ये जानना है कि वैलेंसी क्या होती है किसी आइटम की वैलेंसी किसी आइटम या किसी एलिमेंट एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है तो वैलेंसी क्या होती है वैलेंसी लास्ट शेल में किसी इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल में किसी आइटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है उसकी वैलेंसी मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक नंबर वन इसकी वैलेंसी है वन ठीक लास्ट शेल में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक वाइज हमारे पास हीलियम है इसके इसकी, इसकी वैलेंसी है टू, टू। लास्ट शेल हम हीलियम तो हमारे पास नोबल गैस है लेकिन इसकी वैलेंसी हमारे पास टू इसके बाद लीथियम आता है लिथियम के पास हमारा एटॉमिक नंबर थ्री वन एस टू टू एस वन तो इसकी वैलेंसी हमारे पास लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है एस में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसकी वैलेंसी कितनी है तो इस तरह हम वैलेंस पहले हमें क्या करना है कि जो जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड में आ, हिस्सा ले रहे हैं या पार्ट ले रहे हैं उनका हमें क्या करना है उनका हमें वैलेंसी जानना है तो आपको एक अभी एक प्रोसीजर बताएंगे उसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का आप मोलिकुलर फार्मूला खुद से आ, निकाल सकते हो या मोलिकुलर फार्मूला कैसे आया वो पता कर सकते हो तो देख लो पहले कि हमें किसी ने कहा कि आपको वाटर का मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हमको पहले ये पता है कि वाटर में कौन कौन से हमें ये पता करना है कि वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ठीक अब इनको लिखने के बाद हमें क्या लिखना है कि इनकी वैलेंसी लिखनी है वैलेंसी हमारे पास कितना हाइड्रोजन की वैलेंसी वन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना ऑक्सीजन का हमारा ऑटोमिक नंबर कितना है एट तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी फोर अब यहाँ पे एक डाउट है या प्रॉब्लम आ सकता है आपको वैलेंसी को लेके तो यहाँ पे अगर हम वैलेंसी की डिफिनीशन के हिसाब से कहें कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से करें तो यहाँ पे लास्ट शेल में हमारे पास है 2s और 2p ये दोनों एक ही शल के हैं तो टोटल तो 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 हमारे पास छः इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो इसकी वैलेंसी सिक्स होना चाहिए ऑक्सीजन की लेकिन ऐसा नहीं होता जब भी आइटम्स का या एलिमेंट की वैलेंसी फोर से ज़्यादा फोर हो या फोर से ज़्यादा हो मैं किसी की अगर फोर हो या फोर से ज़्यादा वैलेंसी हो तो उसका हम क्या करते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एट से एट माइनस फोर करके सप्ट्रैक्ट करते हैं या फोर हो या फोर से ज़्यादा हो या फोर से ज़्यादा हो या फोर हो, हो तो उस उस टाइम पे हम क्या करते हैं उसकी वैलेंसी सब्ट्रैक्ट करते हैं एट से तो यहाँ ऑक्सीजन के केस में हमारे पास कितना है ऑक्सीजन के लास्ट में हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की एट माइनस सिक्स तो ऑक्सीजन की वैलेंसी टू हो जाएगी ठीक तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था हाइड्रोजन की वैलेंसी वन ऑक्सीजन की वैलेंसी टू अब इसके बाद क्या करते हैं ये लिखने के बाद हम इसको क्रॉस करते हैं क्रॉस ओवर करते हैं कि मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की वैलेंसी देते दे 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 हैं और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की वैलेंसी ऐसे क्रॉस कर देंगे अब यहाँ से हमें क्या निकलेगा एच ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड का या किसी किसी भी कंपाउंड का हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम ऐसे करेंगे और एक कोई कंपाउंड ले लो जैसे <coughs> जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन में हमने वैलेंसी देखी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है टू कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है फोर होती है देख लो यहाँ पे कार्बन कार्बन का अटॉमिक नंबर कितना है सिक्स तो इसका कन्फिगेशन आप कहेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी टू पी टू अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट से आपको एट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से आपको ये सब करना है मतलब एट माइनस फोर करना है तो आपकी वैलेंसी आ जाएगी फोर इसलिए कार्बन को हम ट्रेट्रा वैलेंट भी कहते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी फोर फोर होता है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन था कार्बन की वैलेंसी हमारे पास फोर थी ऑक्सीजन की हमारे पास वैलेंसी कितनी थी ऑक्सीजन के हमारे पास वैलेंसी टू थी अब इसको क्रॉस ओवर करते हैं कार्बन को टू दे देते हैं ऑक्सीजन को हम फोर देते हैं तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है सी टू ओ फोर सी टू ओ फोर इसमें से हम सी टू ओ फोर यह हमारे पास कंपाउंड बना अब इस कंपाउंड को हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हैं जैसे कि यहाँ से हम टू कॉमन ले सकते हैं अगर टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सी ओ टू ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमें देखना है तो हमें यहाँ से सी ओ टू हमें कार्बन डाइऑक्साइड को सिम्पलाइज कर दिया गया अब यहाँ पे और एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड में हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर का आता है अब हमारा सल्फर का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है सल्फ़र का हमारे पास कितना है टू है अब क्रॉस ओवर करो तो ये आएगा एच टू एस ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का क्या मोलिकुलर फार्मूला या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस मॉलिक्यूल को फार्मूला के बेस पे तो हम ऐसे कर सकते हैं ये तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स का जैसे वाटर का मैंने किया है हाइड्रोजन सल्फाइड का किया है जैसे भी आप ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का आप ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो अब जब मैं आपने कहा कि वैलेंसी वैलेंसी की बात होती है कि हमें उस कंपाउंड का या उस उस एलिमेंट का जिस कंपाउंड में वो इन्वॉल्व है उनकी वैलेंसी हमें जानने के लिए जानना हमें हमें पता होना चाहिए कि कितनी वैलेंसी है तो वैलेंसी के लिए एक रूल है जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी फोर से ज़्यादा हो फोर से ज़्यादा हो मतलब फ़ाइव हो फोर हो या फाइव हो सिक्स हो सेवन हो या ही हो तो तब हम क्या कर सकते हैं तब हम ये करते हैं कि उसकी वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्टेट ऑक्टेट मतलब एट एट माइनस कितने बैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि फोर है तो आपका फोर आएगा फाइव है तो आपका थ्री आएगा अगर सिक्स है तो आपका टू आएगा ऑक्सीजन के केस में जैसे कि सिक्स था तो टू आ गया तो वैलेंसी निकालने के नाम ऐसे करते हैं अगर आपका वैलेंसी अगर आपकी एटम की वैलेंसी अगर फोर से कम है मतलब आपकी वैलेंसी अगर थ्री है किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंसी थ्री है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं उस केस में हम नॉर्मली जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी भी है जैसे कि थ्री है तो थ्री है जैसे सोडियम के केस में हमारा क्या होता है सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर इलेवन है जब इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं हम वन एज टू 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 पी सिक्स और थ्री वन अब इस केस में हमारा क्या है ये ये शेल पूरा है वन एस और टू एस भी पूरा है हमारे पास अब हमारे थ्री एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अब थ्री इसकी वैलेंसी अब कितने करने जब हमने कहा कि जब फोर से कम होगा तब लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी उतनी है जैसे सोडियम के केस में हमारे पास सोडियम की वैलेंसी कितनी है वन इसीलिए इसको कौन से ग्रुप में रखते हैं एस ब्लॉक वाले ग्रुप में अल्के अर्थ मेटल्स में सोडियम का एटॉमिक जितने हमारा हाइड्रोजन लिथियम हा� सोडियम ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन वाला ग्रुप इस ग्रुप में हमारे पास इनकी वैलेंसी कितनी होती है वन होती है और इनका कन्फिग्रेशन लास्ट शेल में इनका वन एज वन इलेक्ट्रॉन आता है इसीलिए हम इसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं या एज ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी तो आज हमने जाना कि हम कैसे कि किसी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू उसकी वैलेंसी और उसके बाद क्रॉस ओवर करना है चलो एक बार फिर से बताएं आपको तो कोई भी कंपाउंड ले लो जैसे मान लिया हमने एन ले लिया अमोनिया अमोनिया ले लिया अमोनिया में हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है ठीक अब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर कितना है सेवन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सेवन अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो वन एस टू टू एस टू टू पी कितना हुआ चार यहाँ तीन सेवन टू पी तीन दो पांच एक सात टू पी सेवन अब यहाँ पे सेवन तो हो गया नाइट्रोजन का सेवन हो गया ना तो अब इसका जो हम वो कैलकुलेट करेंगे इसका वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें वैलेंसी कैलकुलेट करने हमें करना पड़ेगा कि एट में से हमें क्योंकि यहाँ पे लास्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन से फोर से ज्यादा है या फोर से फोर या फोर से ज्यादा है तो हमें माइनस करना है four, uh, three, two, तो हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी है ठीक तो हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आई थ्री आई हाइड्रोजन के बाद हमारे पास नॉन वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है जैसे कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी एक अब इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो हमें यहाँ पे अमोनिया कंपाउंड बनेगा एन एच थ्री तो ऐसे करके हम डिफरेंट कंपाउंड्स की हम डिफरेंट compounds का हम मोलिकुलर फॉर्मूला खुद से हम क्रिएट कर सकते हैं हम जिसे हम बता किसी किसी ने हमें बताया कि वाटर क्यों एस टूओ ही क्यों लिखते हैं तो हम उसको ऐसे बताएंगे कि उनकी वैलेंसी की थ्रू हमने एक मोलिकुलर फार्मूला डिड्यूस करके बताया तो उसके हिसाब से हमने वाटर को एस टू लिखा या अमोनिया को एनर्जी लिखा या एस टू सोफोर लिखा या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का हमने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला के बेसिस पे हमने उन सबको अलग अलग फार्मूला बना के दिया तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको जिसमें हमने आपको मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं वो बताया और बैलेंसी के बारे में बताया वो आप लोगों को ये समझ में आया हो थैंक्स फॉर योर टाइम थैंक्स फॉर द सेशन